अच्छा, यहाँ पे बरी दिखाई जाती है, और जब बारात लेकर दाखिल होते हैं, हम बारात में जितने भी बुज़ुर्ग होते हैं तो उनको सबको मीठा मुँह करवाया जाता है उनका, और पान खिलाया जाता है मीठा। जितने भी बड़े होते हैं, अगर दूल्हा का बाप है, भाई है, तो उनको मीठा मुँह करवाया जाता है और पान खिलाया जाता है। और यहाँ पे ये बरी दिखाई गई है। अच्छा, मेरी क्या हो रही है, तबीयत ख़राब। मैं वॉइस ओवर तो कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं अब आप लोगों को समझ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, लेकिन मजबूरी थी कि करनी ज़रूर थी। अच्छा, यहाँ पे अब दुल्हन को लाया जा रहा है, और जो रस्में होंगी उसमें रस्में जो हैं दुल्हन की को बिठा कर और दूल्हा को बिठा कर दूध पिलाई की और जूता छुपाई की रस्म की जाती है, वो हर घरों में की जाती है, तो यहाँ पे वो रस्म अदा की गई है। बताती चलूँ कि पेरेंट्स तो हमारे हैं नहीं, जब हमारी वालदा की डेथ हुई है ना, तो मैं बहुत डिसहार्ट थी, मुझे बहुत अंदर से एक तकलीफ थी कि वालदा चली गई, अब दुआ देने के लिए, हमारा ख्याल रखने के लिए कौन होगा। फिर यहाँ पे जो है ना, मेरी बड़ी भाभी बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे, समझदार हैं, फीलिंग्स को समझने वाली हैं सबसे बड़ी बात। तो फर्स्ट टाइम मैं जब मम्मी की इजाज़त के बाद भाभी जब आ गई, तो मैं गई हूँ ना, तो आप यकीन करें कि मैं अभी फजर की नमाज़ पढ़ के मसल्ले पे बैठी थी, तो उन्होंने चाय की प्याली उठाई और मेरे पास लेकर उन्होंने ना, फिर बाद में मुझे नाश्ता करवाया, तो मुझे पता चला कि जब पता चला कि वाकई अल्लाह अगर कोई नेमत बदल देता ज़रूर है, अगर कोई आपसे चीज़ लेता भी है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ पे रुखसती करवाई जा रही थी, और अल्लाह ताला से दुआ यही है कि आने वाली जो भाभी है हमारी, वो भी हमारी बड़ी भाभी की तरह अच्छी और समझदार हो, फीलिंग्स को समझने वाली हो। यहाँ पे बहनों के फिर मैंने थोड़े से ड्रेस लिए थे वो दिखाए हैं, और जो है ना ससुराल में अगर आपस में बाहम इत्तफाक, प्यार और एहसास होगा ना, तो जब ससुराल में ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। अच्छा, यहाँ पे भाई को और भाभी को गाड़ी से उतारा जा रहा था, तो भाभी ने यहाँ पे उतारा है, और सबसे पहले भाभी ने, जो न्यू भाभी है, उन्होंने गाड़ी से उतरते हुए सबको सलाम किया, ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी। अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर कोई कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो खुशी होती है कि वाकई ये वालदेन की तरफ से तरबियत मिली हुई होती है। किसी अच्छी बात को पिक करना, मैं समझती हूँ कि मेरी नज़र में बहुत अच्छी चीज़ है, तो अगर कहीं से आपने कोई चीज़ अच्छी देखी है, उसको आपने पिक किया ना, तो आपको अंदर से ही एक अच्छी सी खुशी मिलेगी। तो भाभी ने मेरी माशाल्लाह गाड़ी से उतरने के फ़ौरन बाद ये सलाम किया, तो मुझे इस बात की खुशी है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये रस्म की जा रही है, बाजी जो है ना, पहले मुर्गी जो है वो सदके के लिए दी जाती है, फिर उसके बाद ये पानी जो है ना 7 मरतबा दूल्हे के सर पे से किया जाता है, ताकि जो है ना माँ करती है वैसे ये रस्म, यहाँ पे बाजी ने की है। अच्छा, वो जो मुर्गी वाला क्लिप लगाया है ना, वो भाई को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि ये तुम्हारे साथ ये भी सीन हो सकता है, तो मैंने उसको यही कहा कि मैंने वो क्लिप लगाया, तो मैंने भाई को कहा था कि मैंने क्लिप लगाऊंगी लाजमी ना। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है, भाई बहुत अच्छे हैं, भाई मोहब्बत करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बस यही कहूँगी कि अगर भाभी अगर नंदों को अपनी बहनें समझेंगी या अपनी बेटियाँ समझेंगी ना, तो कभी भी रिश्ते खराब नहीं होते, आप इज्जत दें, वो आपको इज्जत दें, तो लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। अच्छा, यहाँ पे साथ
चलो भी मुबारक करेगा चलो तुम्हारी। चलो बच्चों को ताड़ियां मार लो हल्की फुल्की। अच्छा यहाँ पे ये रस्म हो रही है, यहाँ पे बहनें जो है ना भाई से नेक लेती हैं कि दरवाज़ा खुलाएगा, ताला लगा दिया जाता है और फिर जो है ना भाई को कहा जाता है कि पैसे दें हमें तो फिर अंदर जाने दिया जाएगा। यहाँ पे बड़ी बाजी जो है ना पैसे मांग रही हैं और यहाँ पे जो है भाभी का फिर फोटोशूट हुआ है। पहले ये पार्क चले गई है, वहाँ पे उन्होंने फोटोशूट करवाया है, फिर उसके अच्छा यहाँ पे अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। और इस दुआ के साथ अपनी वीडियो का तो ख़त्म करती हूँ। चला पाक आप लोगों को, मेरे घर को, मेरे वालन के घर को हमेशा अपने जमान में शादोबाद रखें और अब